हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे खाना पकाना चैनल पे। मैं आज आपको बहुत ही टेस्टी लाजवाब सेजवा राइस बताने जा रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी पके हुए बासमती चावल, लंबे कटे हुए पत्ता गोभी 1 कटोरी, 3 रंग के लंबे कटे हुए शिमला मिर्च, 1 लंबा कटा प्याज, सेजवान चटनी, रेड चिल्ली सॉस, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच केचप, तेल 2 बड़े चम्मच। देखिए, हमने पैन रखा है, उसमें 2 चम्मच तेल डाला हुआ है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे लंबे कटे हुए। अब हम प्याज डालेंगे, तेल गर्म हो चुका है। इसे हम लाल होने देते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमारे प्याज हल्के लाल हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे लंबे कटे हुए पत्ता गोभी। इसे हमें तेज आंच पे पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे लंबे कटे हुए शिमला मिर्च। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें राइस। आधा चम्मच सेजवान चटनी, 1/2 चिली सॉस, 1/2 सोया सॉस। इसे हमें फास्ट आंच पे ही पकाना है। नमक स्वाद अनुसार, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसे तेज आंच पे चलाते रहिए। हमारा राइस तैयार हो चुका है। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप। एक चम्मच और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। और बच्चों को खास करके ज़्यादा पसंद आता है। अब हम इसे सर्व करेंगे बॉल में। और थोड़ा सा गार्निश करेंगे हम। हमारे शिमला मिर्च से
दोस्तों तैयार है शेजवान राइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।